खुशी कर रही है अपनी साइकिलिंग। हम लोग ना मॉर्निंग में डेली एक्सरसाइज करते हैं, बट मैं दिखाती नहीं हूँ। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे ना कि आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि हमारे पास ना साइकिलिंग है ये, तो दिन में इसको हम कई कई बार चलाते रहते हैं और मॉर्निंग में हम लोग सब करते हैं। बट मैंने कई वीडियो में शेयर किया था ना, तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, आप तो सुबह की दिखाने लगते हो, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो अपनी वीडियो में, कुछ नया दिखाओ। तो मैंने बीच में एक्सरसाइज बंद कर दी थी, अदरवाइज़ मैं खुशी हम लोग सब करते रहते हैं एक्सरसाइज। और सुबह का तो हम लोगों का मॉर्निंग का जो रूटीन है ना, वो एक्सरसाइज से ही स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया करूँगी। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक्सरसाइज वगैरह आपने छोड़ दी क्या, और आप हमारे साथ अपनी एक्सरसाइज शेयर किया करो। तो ये ना साइकिलिंग है जिसको मैं भी करती हूँ और खुशी भी करती है, तो हम लोग ना दोनों क्या, हम लोग सभी, मतलब यश भी करते हैं, हम लोग साइकिलिंग वगैरह करते रहते हैं टाइम टू टाइम पर, और यश तो वॉक कर भी जाते हैं, और सुबह में भी हम लोग काफ़ी सारी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा योगा भी करते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप ना अपना मंदिर दिखाइए, तो मैं आज आपके साथ में अपना मंदिर शो कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे मंदिर की ना एंट्रेंस। ये इस तरीके से हम लोग मंदिर में रहते हैं, और हमारा जो मंदिर है ना, वो हम लोगों ने इस तरीके का कर्टन लगाया हुआ है उस पर, ताकि बाहर से ना दिखता रहता है, बहुत प्यारा लगता है। और छोटा सा ही मंदिर है हमारा, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। और अब आप देख सकते हैं, ये हैं सारे भगवान जी की मूर्तियाँ। और क्योंकि मैं राधा स्वामी को भी मानती हूँ, मेरे ससुराल में और मेरे महके में दोनों मानते हैं, तो मैंने राधा स्वामी की मूर्ति भी वहाँ पर रखी हुई है, प्लस सारे देवी देवताओं की मूर्ति आप लोगों को मिल जाएगी, और जो भी पूजा के लिए सामान की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें। आटा, दही और नमक, मिर्च, टमाटर, प्याज सब। दूसरा बना रहे हो? ऑयल ज्यादा मत डालो, ऑयल बहुत ज्यादा डाल रहे हो। ऐसे उतरेंगे नहीं ना सर। ओहो, खुशी बना रही है आज तो, है? ये क्या है? क्या? जो पीस रही हो अभी? Thank you.
चल रही है भिंडी बनाने की तैयारी। तो उसके लिए हम लोगों ने प्याज कट कर ली, हरी मिर्च कट कर ली, भिंडी भी कट कर ली है और नॉर्मल मसाले हम लोग यूज़ करेंगे, जैसा मसाला हम लोग घर पर नॉर्मल यूज़ करते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब चीज़ें। तो गैस ऑन कर देते हैं, कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई हो गई है गरम और अब डालेंगे हम लोग सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हम लोग थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम लोग ज़्यादा तेल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कम करना चाहिए, ज़्यादा ऑयल हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। सरसों का तेल वैसे नुकसान नहीं देता है बिल्कुल भी। और अब इसके बाद इसको गर्म होने देंगे और अब इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। तो बस ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको ना गर्म होने देंगे अच्छे से। तो हींग जीरा जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब डाल देंगे हम इसमें प्याज और हरी मिर्च। तो प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ना अच्छी लगती है हरी मिर्च और प्याज, ना थोड़ी सी ज़्यादा डालो तो अच्छा लगता है। लाल मिर्च इसमें डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरीके से प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे अभी हम लोग। और तो प्याज को अभी भूनेंगे क्योंकि इसे ना गोल्डन ब्राउन करना है। तो हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। और मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ कि हम लोगों ने ना घर पे दही जमाया, कितना अच्छा दही जमता है घर पे, देखो आप लोग। ये हम लोगों ने घर के दूध का दही जमाया और आजकल क्या है, हमें कम से कम 2 महीने 2.5 महीने करीब हो गए जब से हम मार्केट से बिल्कुल भी दही नहीं मंगा रहे हैं। हम लोग ना डेली इतना दही जमा लेते हैं और कभी लौकी का रायता, कभी खीरे का रायता या कभी लस्सी बनाकर पीते रहते हैं। तो आजकल हम इसीलिए ना दूध भी थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ये सब कुछ करना ना बहुत अच्छा लगता है। देखो दही कितना प्यारा जमा है, बहुत ही अच्छा जमा है। तो इसके बाद हम लोग जो है हमारी प्याज इतनी गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए जितनी अभी है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे हम लोग थोड़ी सी नमक, ठीक है। उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, नहीं भी डालोगे तब भी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर हम लोग हल्दी, ठीक है। और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम लोग धनिया और नमक थोड़ी सी और देख लो स्वाद अनुसार अपने। और धनिया भी आप थोड़ा ज़्यादा ही डाल सकते हो, धनिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये मसाले हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो है वो भिंडी छोड़ देंगे। तो मसाला हमारा भुन गया है और अब इसके बाद हम इसके अंदर भिंडी छोड़ेंगे। तो बस भिंडी डाल देंगे और इसको चलाएंगे बहुत अच्छे से। भिंडी जो है ना खुशी की फेवरेट है, खुशी क्या मेरी भी फेवरेट है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है भिंडी। बट सबका ना अपना अपना एक बनाने का तरीका होता है। मुझे थोड़ी सी खट्टी खट्टी वाली अच्छी लगती है तो मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा नींबू भी ऐड कराती हूँ। बट ये जब बन जाती है पूरी तब कुछ लोग इसमें अमचूर डालते हैं, बट हमारे पास ना अमचूर है नहीं तो मैं जो हूँ इसमें नींबू ऐड करा देती हूँ। तो ये अभी थोड़ी देर भूनेंगे हम इस मसाले में, उसके बाद इसमें ऐड कराएंगे नींबू जब ये पक जाएगी। बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ऐड कराती हूँ मैं इसमें नींबू। तो अब हमने ये ढक के रख दी है और थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे, 5-10 मिनट में आराम से बन जाती है। तो अब बन के तैयार है हमारी भिंडी, टेस्टी टेस्टी भिंडी, मेरी फेवरेट भिंडी, लेडी फिंगर, लेडी की मनपसंद सब्जी, लेडी इसकी मतलब इनका नाम भी, इसका नाम भी लेडी फिंगर है। तो ये सब कुछ करने के बाद हम गए थे पार्लर में और पार्लर में भी हम लोग ना बहुत ही कम कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, मतलब बहुत मैं खोल नहीं रही हूँ, ओनली 4 जो मेरे जान पहचान के हैं, कुछ लोग जिनका रेगुलर काम होता था काफ़ी सारा तो वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल के मेरे रिश्तेदार हैं 2-4, तो वो लोग सब ना कॉल करके बस मैं एक ही कस्टमर को बुलाती हूँ एक बार में। और पूरे पार्लर में बस एक करने वाला और एक कराने वाला होता है, लेते हैं अपना जो भी जिस तरीके से भी हम लोगों को काम करना होता है उस तरीके से कर रहे हैं। अभी पार्लर बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं हम लोग क्योंकि अगर पार्लर खुल जाएगा ना तब तो बाहर से ऑन रोड से अगर खुल गया फिर तो कोई भी कस्टमर आ सकता है। अभी तो हम लोग हर किसी को ना आने नहीं दे रहे और मैं भी आके थोड़ी बहुत देर के लिए बैठती हूँ पार्लर में और मास्क वगैरह हम लोग सब लगा के रहते हैं, काफ़ी प्रिकॉशन के साथ काम हो रहा है। बट यार बहुत मुश्किल हो गया है ये सब कुछ करना और ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी मतलब ईजी नहीं है सब कुछ, क्योंकि सोचो मेरे पार्लर पर 8-10 बच्चों का स्टाफ था और इस टाइम मैंने सिर्फ 2 लड़कियां पार्लर की बुलाई हुई हैं और उनको भी मैंने अपने पास ही रखा हुआ है और एक कस्टमर को एक ही टाइम में, बस मैं एक ही कस्टमर बुलाती हूँ और उसका एक ही बार में सारा काम हम लोग कर देते हैं। नेक्स्ट कस्टमर के आने से पहले कम से कम आधे 1.5 घंटे तक हम लोग पार्लर को सैनिटाइज़ करके छोड़ देते हैं
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कस्टमर का काम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है और बहुत ही कम कस्टमर के साथ में काम करना पड़ रहा है। तो चलिए अब आगे देखा जाएगा क्या होता है। भिंडी, खुशी की फेवरेट भिंडी, खुशी को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खुशी और पापा दोनों भिंडी खा रहे हैं। खुशी कैसी लगती है भिंडी तुम्हें? अच्छा, बस एक ही सब्जी ऐसी है जो खुशी बहुत मन से खाती है। इसके अलावा क्या पसंद है बेटा? बहुत कुछ। क्या फिर भी कुछ? सब कुछ पसंद है, लेकिन ये ज्यादा पसंद है ना? और खुशी को ना इतनी कम प्याज व्याज वाली भिंडी पसंद है। यश को जो है वो ज्यादा प्याज वाली पसंद है, तो हमने उनके लिए प्याज प्याज ज्यादा दिया। और उसके साथ में है चटनी, रायता और मक्खन। तो इस तरीके से हम लोग शाम का जो खाना है वो हमारा हो गया है, टेस्टी टेस्टी खाना। और यश जो है वो इस टाइम पर, उनकी जगह बिल्कुल फिक्स है। उनकी जगह क्या, पूरा लॉकडाउन ना यश ने यहीं पे खाना खाया, बिल्कुल भी डाइनिंग टेबल पर नहीं गए और बस टीवी देखते रहते हैं और बस उसके बाद अपना खाना वाना, तीनों मील वो यहीं खाते हैं, ब्रेकफास्ट डिनर लंच डिनर सब कुछ यहीं होता है। खुशी यहीं होता है ना पापा का तो सब कुछ? वहाँ पे तो शायद हो गई रोटियाँ। ये तैयार हो रही है रोटी। आटा आप सुबह कोई भूनना है ना, बस सही है और क्या, बस इतना ही बहुत है बेटा। अभी एक एक गिलास दूध पियेंगे सब लोग हल्दी वाला। और पता है कमेंट करके बोल रहे थे कुछ सब्सक्राइबर के हल्दी वाला दूध भी शेयर करना, कि आप लोग कैसे बनाते हो। तो हम लोग जैसे ही बनाते हैं ना सिंपल वाला, वैसे ही शेयर करेंगे, ठीक है? तो जब बनेगा तो बता देना मुझे। तो आज हम लोग आपके साथ ना हल्दी वाला दूध भी शेयर करेंगे कि हम लोग कैसे पीते हैं। रात को हम लोग ना सब हल्दी वाला दूध पी के सोते हैं। ध्रुव जो है वो खाना खिला रहा है। तो गैस चलाएंगे, ये हमारा दूध गर्म हो जाएगा। अब इस गर्मीली दूध में हम चीनी डालेंगे। गर्मीली दूध, गर्मीली दूध हम चीनी डालेंगे। अब इसे गर्म होने देंगे, कृपया ज़्यादा गर्म ना करें कल की तरह। हम ग्लासों में ही हल्दी डालेंगे। पापा भी पियेंगे? एक चम्मच, आधी आधी से भी कम चम्मच, आधी से भी कम चम्मच नहीं, मेरे में नहीं डालना। बस एक ग्लास एम्प्टी, क्योंकि मेरे वाले में नहीं डलता है। चीनी घुल जाए इसलिए हम इसे मिलाएंगे। हमें हम डालेंगे दूध जा, अब इनको हम मिलाएंगे। इस वाले को नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला मेरा है। दूध जाएगा ध्रुव को, ये वाला दूध जाएगा मम्मी को। मम्मी दूध, हाँ गर्मा गर्म दूध हल्दी वाला हम लोग यही पीते हैं। तुम नहीं पी रहे आज? आज यश नहीं पियेंगे क्योंकि इनको ना गैस बन रही है, तो ये हल्दी वाला दूध आज नहीं पियेंगे। बाकी ये भी पीते हैं। ऐसी ऐसी पीते हैं।